हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चने दाल का पकोड़ा। और उसके लिए हमें चाहिए चना, जीरा, दो प्याज, एक चम्मच धनिया पाउडर, चार कलियां लहसुन के, एक टुकड़ा अदरक, तीन मिर्ची और कोतंबीर, नमक, सूखी लाल मिर्च और तेल। सब में पहले हम जार लेंगे और इसमें दाल को डालेंगे। ये दाल मैंने धो के रखी हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसमें ऐड करूंगी मैं कटे हुए मिर्ची, लहसुन और अदरक। कोथिंबीर हम बाद में डालेंगे। इसमें ऐड करूंगी जीरा। हमें इसे ग्राइंड करना है, हमें बारीक नहीं करना है। दाने हमारे थोड़े थोड़े दिखना चाहिए दाल के। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। यह हमने दाल को पीस दिया है, देख सकते हैं। मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है इसे। और अभी हम प्याज को काटेंगे। प्याज को लीजिए, कट कीजिए बीच में करके। हमें बारीक काटना है प्याज को, इसी तरह से कट कीजिए। प्याज हमारा कट के तैयार है। अब हम उसमें मिलाएंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार मिलाइए। फिर मिलाएंगे हम धनिया पाउडर। ये सूखी लाल मिर्च है, मैंने उसे पीस के मैं इसमें मिलाऊंगी। और मिलाऊंगी मैं हरा धनिया। मैं यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल करूंगी मिक्स करने के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे से। अभी हम इसमें पीसी हुई दाल ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। पकोड़े का मसाला तैयार है हमारा। अभी हम इसकी पकोड़े बना के डीप फ्राई करेंगे। टिक्की हमारी तैयार है। इसी तरह से आपको बनाना है। और दाल आपको 4 घंटा पहले भिगा के फिर उसको पीसना है। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई मैंने पहले से रखी हूँ, तेल भी गर्म हो चुका है। अभी मैं टिक्की डालूँगी। गैस को कम रखिए डालते वक्त। ये तैयार है हमारे चने दाल के पकोड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।